हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं हरी मिर्ची से हरी मिर्ची फ्राई बना रही हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसको हम एक बार बना के लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये हमारे खाने के टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है यदि एक मिर्ची हम खाने के साथ खाते हैं तो। इसको बनाना काफ़ी आसान है। बनाने के लिए हरी मिर्ची लेनी है, क्योंकि लंबे समय तक स्टोर करके भी रखना है, इसलिए फ्रेश वाली हरी मिर्ची हमने लेनी है। धो लेना है उसको साफ से और बीच में से चीरा लगा देना है। ये मिर्च कम तीखी वाली है, इसलिए मैं इसके बीज नहीं निकाल रही हूँ। यदि अधिक तीखी आपकी मिर्च है तो आप बीज निकाल दें। तो बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इसके लिए मोटे तले का बर्तन लेना ज़रूरी है। सरसों के तेल में इसको बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए सरसों का तेल मैंने ले लिया है। और इसमें मिर्च को हम पहले भून लेंगे हल्का हल्का। पहले हम आँच तेज़ रखेंगे, अभी हमने आँच तेज़ रखनी है। उसके बाद जब ये इनका कलर थोड़ा सा बदल जाएगा और थोड़े से मुलायम ये हो जाएंगे, उसके बाद हम आँच को जो है फ्लेम को धीमा कर देंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है, लीड इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है, ढक्कन नहीं लगाना है। ढक्कन लगा के पकाओगे तो, क्योंकि रेनी सीजन है, ये काफ़ी सॉगी हो जाएगा, इनमें से पानी निकलने लगेगा मिर्चों से। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो लगा थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे और थोड़ी देर में इसका कलर देखिए ज़्यादा डार्क हो गया है, ग्रीन हो गया है। तो अब हम आँच को धीमा करके एक बार इसको चला देंगे और इसको पकते रहने देंगे। और दूसरी तरफ हम दूसरी तैयारियाँ भी कर लेते हैं। बेसन हम क्योंकि इसमें ऐड करने वाले हैं, इसलिए बेसन भी भून लेंगे। बेसन इतना नहीं लगेगा क्योंकि मुझे कोई दूसरी रेसिपी भी बनानी है, तो मैं एक साथ ही बेसन भून ले रही हूँ। तो जितना लगेगा आप बाद में देख लेंगे। बेसन भी भून रहा है उधर हल्की आँच में, और इधर मिर्चों को भी बीच बीच में उलट पुलट करना ज़रूरी है, इसलिए एक बार इसको उलट पुलट कर लेंगे। और इसमें हम क्योंकि ये मिर्ची जो है क्रंची है, इस समय इसका क्रंच बना रहे, इसके लिए हम इसमें डाल देंगे इस स्टेज पर विनेगर। कोई सा भी सिरका आप डाल सकते हो, सफ़ेद वाला सिरका आपके पास है वो भी डाल सकते हो, या जो भी आपके पास है वो आप डाल दें इस स्टेज पर, या फिर नहीं है सिरका तो आप नींबू का रस भी यहाँ पर डाल सकते हो। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, इससे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी सिरका डालने से, और इसमें जो मिर्च का क्रंच है वो भी कम नहीं होगा। तो लगातार चलाना है, ढक्कन खुला रख के बिना ढक्कन लगाए इसको इस तरह से चलाना है बीच बीच में। और देखिए मिर्चों का कलर चेंज हो गया है, लेकिन ये मिर्चें भी पूरी हैं, बिल्कुल गली नहीं है, आप देख रहे होंगे। तो चलाते रहना ज़रूरी है। और उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। और उधर हमारा जो बेसन है वो भी भून चुका है, और इसमें इसको हमने गैस कर दिया बंद, और इसमें जो भी लम्से हम तोड़ लेंगे। मिर्चें हमारी ऐसी हो गई हैं, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, ये इस तरह की हो गई है। अब हमने सबसे पहले इसमें डालेंगे हम नमक। अभी तक हमने नमक इसमें नहीं डाला था, नॉर्मल नमक और काला नमक। काला नमक डालना ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो पहले नमक डाल के नमक को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये है धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर डालेंगे, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती है। ये कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची तीखी है ही, इसमें तो तीखापन होता ही है हरी मिर्ची में। तो इसको अच्छे से मिला देंगे, काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है, देख रही है आप, देख रहे होंगे। और मिलाने के बाद जो है ये मैंने भुना हुआ बेसन इसमें डाल दिया है। 2 चम्मच मैंने भुना हुआ बेसन डाला है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है मिर्चों का वो बेसन सोख लेगा, जिससे कि मिर्चें क्रिस्पी क्रंची हो जाएंगी, देखिए सूखी हुई हो जाएंगी। और ये गरम मसाला पाउडर है, और ये चाट मसाला पाउडर, ये दोनों डालना लास्ट में ज़रूरी है। इनको डाल के भी हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, चाट मसाले से तीखापन आएगा इसमें। और इसके लिए एक अच्छा सा हम तड़का तैयार करते हैं, जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहेंस करेगा। सरसों का तेल में मेथी और सौंफ मैं अच्छे से भून लूँगी। मेथी को भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहले इन दोनों को भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें कलौंजी डाल देंगे, उसे भी भून लेंगे। और यह है हींग, हींग मेथी सौंफ डालना ज़रूरी है। कलौंजी यदि आपके पास नहीं भी है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। ये 3 चीज़ें आप डाल के अच्छे से इनको भून लीजिए, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम गैस बंद करके इस तड़के को भी इस मिर्ची में मिला देंगे, जिससे कि इसका स्वाद जो है और भी ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो मिला देंगे और उसके बाद हम इसे ठंडा होने को रख देंगे, कि इस तरह से मिला दिया है। एक तरह का इंस्टेंट अचार की रेसिपी समझ लीजिए आप इसको, काफ़ी टेस्टी हो। हरी मिर्चें जब आपके पास ज़्यादा हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो, ये 1-1.5 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहती। यदि फ्रिज में रखते हो तो 1.5 महीने तक ये ख़राब नहीं होती, यदि फ्रिज के बाहर भी आप रख रहे हो तो 1 वीक तक तो ये ख़राब नहीं होती, उससे भी अधिक ये चल जाती है।
तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक भी करिएगा।